हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन दी हुई है आप लोगों को, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट टू गिव लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द रिएक्शन। और कुछ स्टेटमेंट है आपके पास, ए बी सी डी। स्टेटमेंट ए है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड स्टेटमेंट है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। And the fourth is lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. ये चार स्टेटमेंट हमें दे दी हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। आपको कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ए एंड बी। सेकेंड स्टेटमेंट ऑप्शन है ए एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 इज ए बी सी। एंड फाइनल ऑप्शन है आपके पास और, यानी सभी स्टेटमेंट ही गलत है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड रिड्यूस हो रहा है। हमें पता है अगर कोई भी चीज अपन बात करते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है, वो हम लोग रिएक्टेंट साइड से देखते हैं। रिएक्टेंट में मेरे पास कौन कौन है? रिएक्टेंट में मेरे पास पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड है और सी मतलब कार्बन है। तो मेरे पास रिएक्टेंट में ये दो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन लेड तो है ही नहीं, वो तो प्रोडक्ट साइड है। तो यानी कि ऑप्शन ए तो गलत डायरेक्टली हो गया। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना रिएक्टेंट में है ही नहीं है, वो तो प्रोडक्ट साइड है। तो CO2 के पास कोई भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, वो तो एक प्रोडक्ट बन के ऑक्सीडाइज होने के बाद बना है। कार्बन कार्बन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल। सी अकेला था लेकिन ओ टू एड हो गया, तो यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन अपने अंदर ऐड की है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड ने यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर दी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि ए और बी दो स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पे गलत है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन 1 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अगेन एक रिएक्शन दी हुई है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन टू। दिस इज द रिएक्शन। अगेन आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछा हुआ है कि अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ए है कॉम्बिनेशन, बी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट
ऑप्शन सी है डीकंपोजिशन। एंड फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए वन बाय वन सभी ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, तो यानी कि दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये तो कट ही लग गई। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्टेंट हमारे कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्टेंट ही दो चले गए, तो अगेन दिस इज नॉट अ डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को उसके सॉल्यूशन से हटा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन डी पे हमारा टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हम लोगों के पास आयरन फिलिंग्स है, उसके अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है और पूछा है कि क्या होगा, और हमारे पास अगेन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म। थर्ड है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड डी ऑप्शन है मेरे पास आयरन सॉल्ट एंड वॉटर आर प्रोड्यूस। वॉटर आर प्रोड्यूस। चलिए रिएक्शन देखते हैं, आयरन की HCl के साथ रिएक्शन है, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया है, ठीक है, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब जितने आपके पास एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के या सभी एलिमेंट्स के होते हैं रिएक्टेंट साइड, उतने ही आप लोगों के पास प्रोडक्ट साइड में होते हैं, तो उसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड मतलब क्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन नंबर ऑफ एटम्स of each element on reactant side is equal to number of atoms of each element to product side
इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इज नॉन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आपके पास हर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रोडक्ट साइड के इक्वल होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उन्होंने इससे आगे पूछा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को ऑबे करना जरूरी है, जिसमें क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का मास भी होना जरूरी है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो ये आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है हमें और फिर उनको बैलेंस भी करना है। पहली स्टेटमेंट लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन मतलब हो गया H2, नाइट्रोजन मतलब हो गया है N2 और अमोनिया इज NH3। तो ये हमारी रिएक्शन लिखी गई, इक्वेशन लिखा गया, बैलेंस करना है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन के 3 हैं और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं। मैथमेटिक्स में चले जाओ, अगर इक्वल करना है तो इधर वाले H की मल्टीप्लाई 3 से और इधर वाले की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो यू कैन सी कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और वैसे भी जो भी आप बैलेंस के लिए नंबर लगाओगे वो हमेशा एलिमेंट या कंपाउंड के आगे आना चाहिए, उनके पैरों में नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वॉटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वॉटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मीन्स H2S। एयर में कौन सी गैस है जो बर्न करवाने में हेल्प करती है, दैट इज ऑक्सीजन। वॉटर मिल रहा है यानी H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 हमारे पास आ रहा है। हाइड्रोजन और सल्फर की एटम्स यहाँ पे बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन की एटम्स बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2+1 3 है। तो सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की एटम्स कम है तो हम लोग इसके आगे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे अब हाइड्रोजन की 4 एटम्स हो गई है और यहाँ पर 3 रही, तो 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा, 2 × 2 ये वाली और 2 ये वाली, 4 एटम्स हो गई। लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है
तो 2 × 2 = 4, तो इसके लिए हमें 2 आगे लगाना पड़ेगा। लेकिन अब सल्फर अनबैलेंस हो गया है, सल्फर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 लगा दो। अगेन घूम फिर के वहीं पे आ गए, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया है, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही रहा, इसका मतलब वी हैव टू पुट 3 हियर। तो अब आप देखोगे कि हर एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो गई है, एंड दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करके आगे आगे चलते जाते हो। ओके, लेट अस डू नाउ थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है बेरियम क्लोराइड अपन डायरेक्टली लेते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम को देखेंगे, एल्युमिनियम की नंबर ऑफ एटम्स 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो आगे हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, 2। नाउ क्लोरीन हमारे पास हो गया है 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 है तो आगे 3 लगा देंगे, 3 × 2 = 6 हो गया। बेरियम की नंबर ऑफ एटम्स अब 3 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब हमें बेरियम के आगे, बेरियम सल्फेट के आगे 3 लगाना पड़ेगा। सल्फेट SO4 का थ्राइस है और SO4 का थ्राइस आ गया, तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है। लास्ट पार्ट है फिफ्थ का, पोटाशियम मेटल यानी कि के रिएक्ट्स विद वाटर यानी कि H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH एंड हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स का ही यहाँ पर इशू है, तो वही तरीका, H के आगे 2 लगा दो, 4 1 2, तो इसका मतलब 2 लगा देंगे, 2 and 2 = 4 हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 एटम्स है, सिर्फ पोटेशियम का चक्कर है, पोटेशियम के आगे 2 लगा दो, तो यू कैन सी कि अब इक्वेशन ये बैलेंस्ड हो गई है। तो इस तरीके से आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट्स डन हुए। तो एक्सरसाइजेस के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे डन हुए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।